मध्य प्रदेश में एक नए सीएम की एंट्री हो गई है, नाम है मोहन यादव। मतलब 18 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, अब उनको हटा दिया गया है। अब यादव समाज के एक व्यक्ति जो पहली बार चुनाव जीते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 18 साल से जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा था उसको इतनी आसानी से कैसे हटा दिया गया, और सबसे बड़ी बात इतने संस्कारों से वो कैसे आसानी से मान गया, ये एक सोचने वाली बात है। दूसरी तस्वीर पर जरा गौर करिए कि कल जो वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें शिवराज सिंह चौहान को पकड़कर कुछ महिलाएं जो है वो लिपटकर फूट फूट कर रो रही थी, क्या ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की लोकप्रियता का निशान है कि महिलाएं जो है उनको पकड़कर इस तरीके से रो रही हैं, उनको मुख्यमंत्री ना बनाए जाने की वजह से रो रही हैं। पूरी बात इत्मीनान से समझिए और जरा गौर करिएगा एक एक पॉइंट कि क्या मैं जो बात कह रहा हूं उसमें कुछ दम है या नहीं। राज्य में नए सीएम मोहन यादव के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन पहले आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एक बात मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मैं अपने लिए कुछ भी मांगने के लिए जाने से बेहतर है कि मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। दिसंबर 2018 के मार्च 2020 तक कांग्रेस सरकार के 15 महीने का वक्त अगर छोड़ दे तो शिवराज सिंह 2005 से 2022 तक बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री रहे। अब बीजेपी ने उनकी जगह उज्जैन दक्षिण के विधायक मोहन यादव को सीएम फेस के लिए चुना है, वो राज्य की नई सरकार का शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री ना चुने जाने से नाराजगी के सवाल पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह बहुत गलत मानसिकता है कि मैं कहां जाऊंगा, हर समय ये कहकर रोने वाला कि उसके साथ अन्याय हुआ है कुछ नहीं कर सकता, अन्याय कहां है। मैं आज यह स्पष्ट कर रहा हूं कि बीजेपी में एक सामान्य कार्यकर्ता को 18 साल तक मुख्यमंत्री बनाया गया, अब मेरा पार्टी को वापस देने का समय है, यह मानसिकता क्यों नहीं हो सकती। अब जरा गौर करिए कि क्या यह वास्तव में ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से या फिर संगठन से बगावत कर सकते थे। असल में सही रूप से देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के पास कोई दूसरा चारा ही नहीं था। अब दूसरी चीज पर गौर करिए, जिस लाडली बहना के स्कीम के तहत मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, क्या आपने कभी सोचा कि क्या अब उस लाडली बहना स्कीम का क्या होगा जिसके तहत तकरीबन 1250 रुपए महिलाओं के खाते में आए थे, और शिवराज सिंह चौहान ने खुले तौर पर रैलियों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर मैं सीएम बनता तो ये राशि बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति महीने कर दी जाएगी। तो क्या अब 15 लाख रुपए की तरह शिवराज सिंह का ये दावा भी जुमला साबित हो जाएगा, क्योंकि लाडली बहना स्कीम को ना तो प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भाषण में इस्तेमाल किया और ना ही अमित शाह या फिर कोई भी दिल्ली लॉबी को इसके सामने किसी के सामने भी जाहिर करने की जरूरत नहीं समझी। ये सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह का वादा था जो उन महिलाओं को किया गया था जिन्होंने शिवराज सिंह को वोट दिया। और आखिरकार हाल ही में एक वीडियो भी आप देखे होंगे जिसमें महिलाएं शिवराज सिंह को पकड़कर रो रही थी। दरअसल ये सिर्फ शिवराज सिंह के जाने का रोना नहीं था, महिलाओं को रोना इस बात पर आ रहा था कि क्या अब उनके खाते में 3000 रुपए आएंगे या फिर 15 लाख रुपए वाला जुमला बनकर रह जाएंगे। वैसे इस विषय पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।